जो आप लोगों ने पदाधिकारियों की घुसखोरी के खिलाफ यहाँ पर धरना दिया, क्या मांगे? हमारे धमार पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, ऑडिटर के पास लोग गए थे ऑडिट कराने के लिए, जिनसे 2000 रुपए की मांग की गई और नहीं देने पर उनसे अभद्र व्यवहार करके वहाँ से भगा दिया गया। और बिहार सरकार द्वारा जितना भी अनुदान की राशि यहाँ पर आता है सरपंचों को देने के लिए, प्रखंडों में पदाधिकारी जानबूझकर कर्मचारी नाजिर घूस कमीशन की मांग कर रहे हैं और नहीं देने पर एक एक साल बाद तक अभी तक पैसा नहीं दिया जा रहा है। इस बात कि आप लोगों ने आला अधिकारी को सूचना दिया है? जी बिल्कुल दिया है, लिखित तरीके से सूचना दिया है। हम लोग ने प्रदर्शन किया था, धरना किया था, उसके बावजूद भी पैसा नहीं मिल रहा है। और धमार पंचायत के जो पंच उप सरपंच के साथ जो हादसा हुआ है उनसे प्रिंट निकाल करके और फिर बोला गया कि 2000 रुपया दीजिए और 2000 रुपया नहीं देने पर उनसे वहां पर अभद्र व्यवहार करते हुए भगा दिया गया। अधिकारियों के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? कुछ नहीं की गई। जिला प्रशासन सरपंचों द्वारा कोई भी सूचना देने पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सरपंचों द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है, अगर सूचना दिया जाता है तो जिला प्रशासन एकदम गूंगी साध लेता है। और हमारे महिला सरपंच हैं, दूर दराज से सरपंच उप सरपंच जाते हैं, उनको जानबूझकर परेशान किया जाता है। एक न्यायिक पद है, उनसे कमीशन की मांग की जा रही है जो कि लाज्याजनक है। अगर जिला प्रशासन द्वारा घुसखोर ऑडिटर को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, FIR दर्ज नहीं किया जाता है, तो पूरे बिहार के सरपंच गांधी मैदान पटना में मिलकर हम लोग सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे और ये अनवरत आंदोलन चलता रहेगा, हम सब रुकेंगे नहीं। क्या नाम है आपका? अखिलेश बाबा, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष सरपंच सर।